पलवल के गांव मेघपुर स्थित कचरा डंपिंग प्लांट में गत 19 दिसंबर को गांव निवासी विनोद कुमार का शव मिलने की गुत्थी को अपराध जांच शाखा पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने गहन जांच पड़ताल के दौरान गांव मेघपुर निवासी विक्रम को गिरफ्तार किया, जिसने पूछताछ में बताया कि मृतक पैसे के बदले आरोपी विक्रम की गर्लफ्रेंड से शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। इसी बात को लेकर आरोपी विक्रम ने विनोद की चुन्नी गमछा से गला दबाकर हत्या कर दी और शव को गांव के कचरा डंपिंग प्लांट में छुपा दिया। पुलिस ने आरोपी विक्रम के कब्जे से हत्या में प्रयोग की गई चुन्नी को बरामद कर लिया और उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड के बाद मंगलवार को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया है। पलवल प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक विनोद कौशिक ने बताया कि गत 16 दिसंबर को गांव मेघपुर निवासी आनंद ने शहर थाना पुलिस को अपने पुत्र विनोद कुमार के कार सहित लापता होने की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद गत 19 दिसंबर की सुबह विनोद का शव गांव में स्थित कचरा डंपिंग प्लांट से बरामद हुआ, जिसके बारे में विनोद के परिजनों ने गांव ककराली निवासी कुछ युवकों पर विनोद की हत्या करने का शक जाहिर किया और मामले की जांच CIA पलवल द्वारा कराने की मांग की। मामले की जांच CIA इंचार्ज सुरेश भड़ाना को दी गई। सुरेश भड़ाना ने अपने नेतृत्व में टीम गठित की, जिसमें ASI शहीद व संजय कुमार, सिपाही रिंकू व सोनू, SI सतीश व हेड कांस्टेबल हेमराज को शामिल किया गया। टीम ने गांव ककराली निवासी 4-5 युवकों को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की, लेकिन कोई अहम सुराग हाथ नहीं लगा, जिसके बाद जांच जारी रही और मोबाइल लोकेशन के आधार पर शक की सुई गांव निवासी विक्रम पर घूमी। पुलिस ने विक्रम को मुखबिर खास की सूचना पर गत 23 दिसंबर को पलवल बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया। विक्रम ने गहन पूछताछ में बताया कि गत 15 दिसंबर को वो और गांव निवासी विष्णु विनोद के साथ उसकी कार में सवार हुए, जिसके कुछ देर बाद विष्णु कार से उतर गया और विक्रम व विनोद कार को लेकर हुडा सेक्टर 2 पहुंचे, जहां पर विक्रम ने विनोद से कहा कि अगले दिन उसे उसकी कार चाहिए, जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाना चाहता है, जिसके बाद विनोद ने विक्रम से कहा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहता है, जिस पर विक्रम ने इनकार कर दिया और कहा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करेगा, जिस पर विनोद ने कहा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को रुपए देगा। इसी बात को लेकर विक्रम ने विनोद से रंजिश बना ली और पहले उसे बियर पिलाई और बाद में कार में पीछे वाली सीट पर बैठकर मौका देखकर चुन्नी से विनोद का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद विक्रम विनोद के शव को कार में लेकर घूमता रहा और मौका देखकर शव को गांव के कचरा डंपिंग प्लांट में डाल दिया। एक मोबाइल से सिर्फ वो सही कल्प्रिट तक पहुंच गया, तो उसमें एक ही लड़का था मर्डर करने वाला, विक्रम उसी गांव का, और मर्डर की वजह उसने सिर्फ ये बताई कि मरने वाला और वो तीन लड़के गांव से चलते हैं, विष्णु बीच में ड्रॉप कर जाता है, उतर जाता है, और दोनों ये पीछे बैठे हैं और विनोद जो मरा है वो गाड़ी चला रहा था। सेक्टर 2 में बियर लेने के बाद विनोद ने उस लड़के से, विक्रम से जो किलर है, उसकी गर्लफ्रेंड बारे बात करी कि यार अपनी गर्लफ्रेंड को तू मुझे भी मिलवा दे। वो कहने लगा यार मेरी गर्लफ्रेंड है और उसके बारे में ही बात मत कर, लेकिन वो नहीं माना। उसने कहा कोई नहीं यार मैं उसके लिए तुझे पैसे दे दूंगा। कहने लगा यार मैंने शादी करनी है अभी उससे, ऐसे कैसे आप बोल रहे हो, तू ऐसे कैसे बोल रहा है। कहने लगा यार दुनिया पैसे में सब कुछ बिक जाता है। बस इसी पल उस वो चलाने वाला मोबाइल में ला रहा था, उसने उसके गले में पीछे से दुपट्टा डाला और दोनों अपने गोडे ड्राइविंग सीट के अड़ा के उसको पूरा ही खींच दिया। उठने का मौका मिला नहीं उसको, और हाथ तो अपने जरूर पहुंचाए लेकिन तब तक वो खत्म हो चुका था। इसने आरोपी विक्रम के कब्जे से हत्या में प्रयोग चुन्नी व मृतक कार की चाबी को बरामद कर लिया है और मंगलवार को उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया। उसने फिर वो सब चीज बरामद भी कराई, हर चीज बरामद कराई, जिससे मारा वो दुपट्टा वट्टा सब बरामद कराया। पलवल से मुकेश बघेल। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।